हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज सैटरडे है, आपको भी पता होगा सभी की छुट्टी होगी आज। तो आज हम भी लेट उठे हैं, तो अभी हम नहाएंगे और खाना खाएंगे, फिर आपको आगे का जो भी रहेगा वो हम आपको कंटिन्यू करके बताते हैं। थैंक यू। तो गाइस, आज हमारे घर में बनने वाला है मटर पुलाव। तो चलिए मैं आज आपको उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, ताकि आप भी अपने घर में वो ट्राई कर पाए। हेलो गाइस, तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम आपको मटर पुलाव की रेसिपी बताएंगे। तो यहाँ पे हमने 3 आलू काटे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 2 बड़े प्याज काट रखे हैं, और यहाँ पे हमने 3-4 हरी मिर्ची काटे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो मटर पुलाव के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट रहता है वो मटर, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमने तेल रखा है जो कि अभी गर्म हो रहा है, तो आप प्लीज़ बने रहिए, हम आपको बताते हैं आगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे तेल रखा है गरम होने के लिए, तो अभी हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे जो कि तेज़पत्ता है, और हमने 4 लौंग डाले हैं, और थोड़ी हमने काली मिर्च डाली है, और एक हमने इलायची डाला है, और एक हमने दालचीनी का पीस डाला है। तो देख सकते हैं आप, अभी ये गर्म हो रहा है तेल, तो हम इसमें इसी तेल में इसे थोड़ी देर पकाएंगे, तो प्लीज़ आप देखते रहिए। और उसके बाद हम डालेंगे ज़ीरा 2 चम्मच। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जीरा गरम होके अच्छे से पक गया है, तो अभी हम इसमें जो हमने प्याज काटे हैं 2 बड़े प्याज, तो वो हम अभी इसमें डाल देंगे और इसे ब्राउन होने तक पका देंगे। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्याज ब्राउन होने वाला है, तो अभी हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जिससे और स्वाद आएगा। तो हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाला है, और अभी हम इसे प्रॉपरली मिक्स करेंगे जब तक ये पकना जाए और हमें कच्चा ना रहे, तो आप देखते रहिए। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अदरक अच्छे से पक चुका है, अदरक लहसुन का पेस्ट, तो अभी हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डालते हैं और इसे पकाते हैं। और इसके बाद हम पकाते ही तुरंत इसमें हम डाल देंगे जो हमने हरी मिर्च काटी थी, 3 हरी मिर्च, तो वो हम डाल देते हैं और उसे भी हम पकाना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो हरी मिर्च थोड़ी थोड़ी पक गई है, अब हम इसमें दूसरे चीज़ डालते हैं जो कि आलू है। तो आलू हमने डाल दिया है, जो कि हमने 3 आलू काटे थे, तो अभी हम इसे पकाते हैं, और इसी के साथ हमने जो मटर छील रखे थे तो वो भी हमने डाल दिया है। तो अभी हम ये सारा अच्छे से पकाते हैं और इसे फ्राई करते हैं। हाँ, तो जैसे आप देख सकते हैं आलू और मटर थोड़ा पक चुका है तेल पे, तो अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो हमने 2.5 ग्लास चावल लिया था, तो हम इसमें 2.5 चम्मच नमक डालेंगे। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार मिर्च डालेंगे, तो आप देख सकते हैं, तो अभी हमने मिर्च डाल दिया है, और अभी हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। तो आप देख सकते हो हमने इतना 2 स्पून गरम मसाला डाला है, तो अभी हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और थोड़ी देर हम इसे पकने देंगे, ताकि सारे जो भी हमने आलू सारे वेजिटेबल्स डाला है वो अच्छे से नरम हो जाए। तो आप जैसे कि देख सकते हो सब्जी अच्छे से पक चुका है और सब्जी ने तेल छोड़ दिया है, तो अभी हम इसमें जो हमने चावल लिया था वो चावल हम मिला देते हैं। तो आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमने 2.5 ग्लास चावल लिया है जो कि हमने पहले ही भिगो रखा था अच्छे से, तो अभी हमने इसमें चावल डाल दिया है, और उसी के अनुसार हम पानी इसमें मिला देंगे और ये अच्छे से पक जाएगा। तो अभी हम आपको ये एक बार पक जाए और कैसे लगता है फिर हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम पुलाव बना रहे थे, तो देख सकते हो आप पुलाव अच्छे से बन के पक चुका है, जो कि बिखरा बिखरा बना है, और इसके साथ आप देख सकते हो हमने ये हरी चटनी बनाई है। तो अगर आप इसका रेसिपी जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम ये जो पुलाव है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे घर पर बनाया हुआ ही है। तो हम इस पुलाव में 1 चम्मच घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर खा लेंगे, और अभी मैं आपको बताती हूँ इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट है। तो आप भी अपने घर में इसे ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद। हेलो गाइस,
फ्रेंड्स, होप करते हैं आपको हमारी मटर पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप अपने घर में भी ट्राई करिए और हमें भी बताइए कैसा बना है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और कल मिलते हैं आपको इसी समय पर न्यू ब्लॉग के साथ। धन्यवाद। हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।